डियर स्टूडेंट्स, दिशांक क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम कैरेक्टर स्केच यानी चरित्र चित्रण कैसे लिखें और कैसे हम उसको याद करें। अगर मैं क्लास टेंथ की बात करूं तो क्लास टेंथ में एक क्वेश्चन लॉन्ग आता है फर्स्ट फ्लाइट यानी प्रोज से, और एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग जो 4 मार्क का होता है फुटप्रिंट विदाउट फीट यानी सप्लीमेंट्री रीडर। देखिए, अगर मैं बात करूँ कि ये क्वेश्चन जो आता है लॉन्ग क्वेश्चन, या तो वो उस चैप्टर के अंदर से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या मतलब 50% चांस वे भी रहते हैं कि जो चैप्टर दिया गया है उसके अंदर जो कैरेक्टर है उसका वो चरित्र चित्रण यानी कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए भी दिया जा सकता है। अगर आपको कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए आता है तो मैं बड़ी आपको आसान सी ट्रिक बताऊंगी, जिससे आज ही आप जितने भी चैप्टर हैं और उनमें जो मेन कैरेक्टर हैं, आप मेन कैरेक्टर या सब कैरेक्टर को आप आज ही याद कर लोगे। ये वीडियो ये आप तभी याद कर पाओगे, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने सिर्फ चैप्टर को पढ़ लिया है, अभी तक याद नहीं किया। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देखने से पहले कि हम कैरेक्टर स्केच कैसे लिखें, तो एक बार उस चैप्टर को वो पढ़ ले। और जैसे ही आप पढ़ेंगे और मैं जो तरीका बताऊंगी आप उस तरीका को देख लोगे, तो आप कैरेक्टर स्केच को वाला जो क्वेश्चन है 4 नंबर का है, आप उसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको वो चुटकियों में याद हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कैसे। डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टर स्केच लिखने से पहले हमें 2 हेडिंग के बारे में ध्यान रखना होगा। फर्स्ट हेडिंग इंट्रोडक्शन एंड द सेकेंड इज कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन हमेशा क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा जाता है और इसमें थोड़ा सा बताया जाता है कि हम किसके बारे में लिखने जा रहे हैं या वो कौन है। जैसे कि सपोज करो आप आते हो क्लास में तो टीचर आपसे पूछता है कि आप कौन, आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो। सेम इसी तरह से जब हम क्वेश्चन लिखेंगे तो हम थोड़ा सा उसका परिचय देंगे। और कंक्लूजन जो है हेडिंग, वो लास्ट का होता है, उसमें समरी दी जाती है कि हमने अब तक क्या लिखा है। अगर मैं बात करूँ कंक्लूजन इतना इजी है, आपको उसके लिए कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप जो मैं डिस्कस करूँगी ना, उसी डिस्कशन से आप कंक्लूजन लिखना सीख जाएंगे, उसके लिए आपको अलग से याद नहीं करना है। जैसे कि आप जानते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन, एक आपका प्रोज से आता है और एक आपका सप्लीमेंट्री से आता है जो 4-4 मार्क्स का होता है। तो 4 मार्क्स का है यानी आपको कम से कम 4 हेडिंग आपको इन क्वेश्चन में लिखने जरूरी है। 4 मार्क, आप 4 से 5 या 6 तो हेडिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 4 से हेडिंग एक भी कम ना लिखें। तो ये आपके लिए ईजी है, 2 हेडिंग तो आपको यही हो जाते हैं, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, तो आसान है। इनमें आप एक एक दो दो लाइन लिखेंगे, जैसे मैं बताऊंगी आप हर उसमें लिख देंगे, आपको अलग से इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी आप 2 से 3 हेडिंग आप जो चैप्टर होंगे उसमें से लर्न कर लेंगे। देखिए, जैसे मैंने बताया कैरेक्टर स्केच बच्चे वही कर पाएंगे जिन्होंने छोटा चैप्टर की हिंदी पढ़ी है। सबसे पहले क्या है, मैं जानती हूँ यूपी बोर्ड के बच्चे इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, वे पहले हर बात को हिंदी में सोचते हैं, बाद में फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। सो इसी तरह से आप क्या करेंगे, पहले चैप्टर को पढ़ लीजिए। ये उसी तरह से जैसे आप कोई मूवी देखते हो और मूवी देखने के बाद आप स्टोरी बताते हो, घर पर बताते हो, या किसी हीरो के बारे में बात करते हो, यार उस मूवी का हीरो बहुत अच्छा था, उसमें क्वालिटी थी, या कोई है ना, यार ये तो बहुत इमोशनल है, या ये तो बहुत मार धाड़ करने वाला है। तो इस तरह से जैसे ही आप कोई हीरो को देखते हो उसको वर्णन करते हो, उसी तरह से ये कैरेक्टर हो गया, एक फिल्म का हीरो ही हो गया और उसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो क्या करोगे, आप पहले उस स्टोरी को पढ़ लेंगे। जैसे मैं बात करने जा रही हूँ आपके सामने वैली जो है आपका 9th चैप्टर है, मैडम राइट्स द बस। इसमें कैरेक्टर है वैली, एक छोटी लड़की होती है। अब देखिए ही से आता है, मैंने कहा ना पहले आप हेडिंग डालोगे इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि आपको बताना है किसके बारे में लिखने जा रहे हो। तो आप एक लाइन या 1.5 लाइन आप लिख देंगे कि वैली इज अ 8 ईयर्स गर्ल, या पास्ट में लिखेंगे वैली वॉज अ 8 ईयर्स गर्ल एंड सी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, जहाँ भी वो रहती थी। आप जब स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चले, इतनी तो बात आपको याद रहती है। जब आप कहानी पढ़ेंगे ना, हिंदी पढ़ेंगे, तो इतने तो आपको याद रहेगा कि वैली कौन थी, 8 साल की लड़की थी, वो गांव में रहती थी। अगर आपने 2 लाइन लिख दी तो काफ़ी है आपको इंट्रोडक्शन में, क्योंकि आपको कुल 4 मार्क्स का है, आपको 1 से 1.5 पेज के अंदर आपको अपना क्वेश्चन खत्म करना है।
फिर हम उसके बाद उसकी जो क्वालिटी थी, आप अगर आपने, मैं थोड़ा सा डिस्कशन करती हूँ कि वैली क्या थी। वो 8 साल की लड़की थी, उसकी इच्छा थी, उसके घर के सामने से बस होकर निकलती थी तो उसके बड़े अंदर क्यूरियसिटी थी कि मैं भी जो हूँ बस यात्रा करूँ, देखूँ कहाँ जाती कैसे जाती है। तो एक तरह से क्या होता है, वो प्लान बनाती है। तो यहीं से क्या आ गया, वर्ड आ गया, वो गुड प्लानर थी। वो प्लान क्या करती है कि मेरी मम्मी दोपहर में सो जाती है और तब तक मैं जो है बस में जाऊंगी और क्या करूंगी मैं, और फिर वापस उसी बस से वापस आ जाऊंगी, तब तक मेरी मदर सोती रहेगी। तो यहाँ पर क्या आती है, एक हेडिंग निकल के आ गया, गुड प्लानर। वो प्लानिंग करना जानती थी। तो हेडिंग यहीं पर हो गया आपका। अगर मैं देखूँ यहाँ पर दिया है मैंने गुड प्लानर, तो जरूरी मैंने आगे पीछे भी कर सकते हैं क्योंकि स्टोरी के अकॉर्डिंग गुड प्लानर आप स्टार्टिंग में लिख देंगे गुड प्लानर, तो आपका सेकंड, फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन, सेकंड आपका गुड प्लानर हो गया। फिर उसके बाद क्या करती है ना, जैसे वो आता है सेल्फ कॉन्फिडेंट, जब वो जाती है बस, बस जो है रुकती है तो वो बस में जब चढ़ना चाहती है तो कंडक्टर उसकी हेल्प करना चाहता है लेकिन उसको बिल्कुल डिनाई कर देती है, मना कर देती है कि वो खुद चढ़ सकती है। तो उसमें इतना कॉन्फिडेंट था, एक बड़े लेडी की तरह से था कि वो खुद से चढ़ना चाहती है। अब जैसे उसमें और बहुत सारी इंसिडेंट होती है, एक बुढ़िया भी मिलती है और लोग उसे कुछ बात कहते हैं तो वो हर बात का बड़े कॉन्फिडेंट से जवाब देती है, तो उसमें अब आत्मविश्वास था। तो आपका थर्ड हेडिंग हो जाएगा सेल्फ कॉन्फिडेंट, आपका इंट्रोडक्शन, फिर आपका गुड प्लानर, फिर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट। अब आता है यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्टिंग, उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्टिंग भी बहुत थी। जैसे कंडक्टर एक बार उसको ये कहता है कि आप कोल्ड ड्रिंक लीजिए, आप वापस जा रहे हो, आपके पास पैसे कम हो गए, लेकिन वो बिल्कुल डिनाई कर देती है कि नहीं मेरे पास है, मैं खुद से कर सकती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी जो ज़िंदगी है निजी ज़िंदगी में कोई झांके या उसे कोई ऑफर दे, तो इस तरह से हम कह सकते हैं उसकी सेल्फ रिस्पेक्टिंग था। और जब रास्ते में उसे, जब वो बस से जा रही जो होती है तो रास्ते में गाय की डेथ हो जाती है, उसको देखकर वो बड़ी भावुक हो जाती है, इट मीन्स वो सेंसिटिव है। तो ये हेडिंग भी निकल आया। और जब अपनी यात्रा को वो बड़े आनंद से महसूस करती है तो वो जॉय से भरी हुई होती है, तो आपको एक हेडिंग होंगे फुल ऑफ जॉय। अगर मैं बात करूँ 5, तो उसकी क्वालिटी यहीं पर निकल के आ गई। हम और ज़्यादा भी क्वालिटी दे सकते हैं, जैसे उसने क्या किया था, वो यात्रा करने के लिए उसने कुछ पैसे सेव किए थे, मतलब इकट्ठे किए थे, उसने बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीदी और यात्रा करने के लिए उसने पैसे कलेक्ट किए, तो हम ये कह सकते हैं गुड सेवर, जो कि मैंने लिखा कि वो बहुत सेविंग करने वाली लड़की थी। तो क्वालिटी हम अपने आप से ढूंढ सकते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, आप कंक्लूजन में कैसे लिखेंगे। आप इसमें से अगर आपने 3 भी हेडिंग याद कर लिए तो आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन 5 हो जाएंगे। तो कंक्लूजन में क्या करना है, बड़ा आसान है, इन्हीं को दोबारा लिखना है। देखिए कैसे, जैसे वैली लिया, वैली वॉज ए वेरी सेंसिटिव गर्ल, शी वॉज वेरी गुड प्लानर, शी हैड अ वेरी कॉन्फिडेंट, सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं शी वॉज वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग। तो एक ही बात को घुमाना है, आपको घुमा कर लिखना है और इन्हीं वर्ड का यूज़ करना है और आपका कैरेक्टर स्केच कंप्लीट हो जाता है। कुछ भी याद नहीं करना है। आज इस वीडियो के बाद आप पहले वाला चैप्टर पढ़िए, अ लेटर टू गॉड, उसमें लेंचो का कैरेक्टर आप खुद से याद करो। कि आपने हिंदी पढ़ ली, बुक बंद कीजिए और दिमाग में सोचिए कि लेंचो में क्या क्या क्वालिटी थी, उसे कॉपी में लिखिए और उसके अंदर सिर्फ मन में सोच लीजिए और फिर जैसे ही आप बुक बंद करके अपने आप से लिखना शुरू कर दीजिए। अ लेटर टू गॉड में पोस्ट मास्टर का भी कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है, तो आप पोस्ट मास्टर में क्या क्वालिटी थी उनको सोचिए, उनको लिखिए। इसी तरह से नेल्सन मंडेला थे। अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग अलग जितने भी है, जैसे अ लेटर टू गॉड उसमें 2 कैरेक्टर हैं, नेल्सन मंडेला में कैरेक्टर है। अगर हम बात करते हैं ये आपका ये डायरी ऑफ एन फ्रैंक है, उसमें एनी फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है, उसे जो टीचर है उसका पूछा जा सकता है। अगर आप चाहेंगे इसी तरह से मैं हर कैरेक्टर की आपको ये विद हेडिंग आपको बता सकती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है नहीं, क्या मैं और आपके लिए कैरेक्टर स्केच को वर्णन करूँ इसी तरह से, ये आपके लिए काफ़ी है और ये आपके लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसमें मैंने बता दिया 2 हेडिंग आपको ध्यान रखना है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। दिशांक क्लासेस को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपके पास आती रहे। थैंक